चैप्टर नंबर 8 है एमएसओ का, अकाउंट्स ऑफ पब्लिक वर्क्स, जो हमने सीपीडब्ल्यू ए में पढ़ा है वो है रीजनल ऑफिस में कैसे हम मेंटेन करते हैं रीजनल ऑफिस वाले अकाउंट, और उसका कैसे अकाउंट्स भेजते हैं, क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी हैं। वही अकाउंट जब वो भेजते हैं मंथली फॉर्म में एजी के पास, तो एजी उसको चेक करते हैं। तो एजी के लिए जो डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, एजी के लिए जो डायरेक्शन है वो बनता है एमएसओ वॉल्यूम 1 में, मैनुअल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सीएजी का है, ये है वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 क्या कहता है कि द चेक ऑफ वर्क्स अकाउंट इज कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कि 3 स्टेजेज में वर्क्स अकाउंट्स का चेकिंग किया जाता है। वर्क्स अकाउंट्स मतलब आपने वहाँ पे चैप्टर नंबर 10 जो पढ़ा था सीपीडब्ल्यूए कोड में, वही वर्क्स अकाउंट है। जब वहाँ से वर्क्स अकाउंट मंथली बन के आता है एजी के पास, तो एजी क्या क्या चेक करते हैं उससे पहले ये देख रहा है, दिखाया जा रहा है कि वर्क्स अकाउंट स्टार्टिंग चेकिंग होती कहाँ से है। तो सबसे पहले उसकी चेकिंग हो जाती है जहाँ से वो बनता है और जो उसको बनाता है, यानी प्रिलिमिनरी इंटरनल चेक बाय द डिविजनल अकाउंटेंट इन डिविजनल ऑफिस। डिविजनल ऑफिस में ये मंथली अकाउंट बनता है जहाँ पे डिविजनल अकाउंटेंट होते हैं, एजी के ही ये भी बंदे हैं, और ये खुद ही पहली बार प्रिलिमिनरी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की है, खुद चेक कर लेते हैं। दूसरा, जब वहाँ से अकाउंट आ जाता है एजी ऑफिस में, तो ये एजी ऑफिस की चेकिंग होती है यहाँ पे, है ना। एजी ऑफिस चेक करते हैं, एजी ऑफिस में जब रिसीव होती है तो एजी ऑफिस ए एंड ई का एजी जो है वो इसको चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जब ये चेकिंग हो जाती है तो नेक्स्ट एक और चेकिंग होती है, वो भी एजी ऑफिस में ही है लेकिन उसको एक अलग सेक्शन दिए हैं। हालांकि ऊपर वाला भी सेक्शन ही है, एजी ऑफिस मतलब एजी ऑफिस का एक सेक्शन दिया हुआ, एक और है सेक्शन जो स्पेशली इस वर्क से रिलेटेड डिविजनल चेकिंग ऑफ द डिविजनल रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट विद रेफरेंस टू डेटेड एंड क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट समरी रजिस्टर्स मेंटेन इन वर्क्स अकाउंट विंग ऑफ अकाउंटेंट जनरल ऑफिस। ये भी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है और ये भी अकाउंटेंट जनरल का ही ऑफिस है, लेकिन इसको बोलते हैं वर्क्स अकाउंट ऑफिस, सेक्शन का ही नाम है वर्क्स अकाउंट। यहाँ पे ये चीजें चेक होती हैं। इसमें क्या क्या चीजें विशेषकर चेक होती हैं कि रिकंसिलेशन किया जाएगा कि जो फिगर यहाँ उस पर दिया गया था, ये फिगर ही जो मेंटेन हुआ, अलग अलग मेजर हेड वाइज वाउचर हेड वाइज जो तैयार किया गया। हालांकि जो डिविजनल ऑफिसर होते हैं या फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर होते हैं, इनकी जो मंथली अकाउंट आती है ये ऑलरेडी कंपाइल्ड होके आती है। कंपाइल्ड मतलब कि इनका मेजर हेड, माइनर हेड, क्या रिसीट है, एक्सपेंडिचर है, मतलब ये सारा का सारा सबसे पहले से ही अरेंज्ड होके आता है, और इसमें एजी ऑफिस को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि दूसरे अकाउंट ट्रेजरी ऑफिस से आते हैं या और अकाउंटिंग रेंडरिंग यूनिट से जो भी आते हैं, वो सब कंपाइल्ड नहीं होते हैं ना, और ये कंपाइल होके आते हैं, फिर भी चेकिंग होती है एजी ऑफिस में। एग्जाम पर्पज के लिए आपको यही वर्ड याद रखना है, क्योंकि अलग अलग एजी ऑफिस में अलग अलग नाम दिया है लेकिन बुक में एक ही नाम दिया है, तो एजी ऑफिस। और दूसरा देना है कि वर्क्स अकाउंट विंग का अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस। तो यहाँ 3 जगह पे इसकी चेकिंग होती है। पहला यही को चेक करते हैं डिविजनल अकाउंटेंट, उससे पहले वो देखते हैं कि जो भी सब डिवीजन है जिनके रिटर्न्स आते हैं ए डीए के पास, डिविजनल ऑफिस के पास, तो उसकी वो चेकिंग पहले खुद करते हैं। ये रिस्पांसिबिलिटी उनकी होती है कि डिविजनल सब डिविजनल ऑफिसेस के सारे जो अकाउंट्स हैं, रिटर्न्स हैं,
उनको चेक करें। तो कैसे चेक करेंगे कि दे हैव बीन रिसीव्ड इन कंप्लीट स्टेट। जब एस डी ओ ऑफिस से वाउचर्स रिटर्न आते हैं तो वो पहले कंप्लीट फॉर्म में हो, ये चेकिंग होगी। डिविजनल अकाउंटेंट चेक कर रहे हैं इसको अपने डिविजन ऑफिस में बैठ के। दूसरा, दैट द सम रिसीवेबल आर ड्यूली रियलाइज्ड एंड रियलाइजेशन क्रिएटेड टू द प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट। जो भी पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में आना चाहिए वो आ गया है और उसको प्रॉपर हेड में जमा कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। और ऑल्सो प्रॉपर पर्सनल अकाउंट इफ एनी, जैसे पीडीए अकाउंट वगैरह या इम्प्रेस्ड अकाउंट वगैरह या कोई अकाउंट जो दिया गया है वो, या फिर कोई कंट्रेक्टर का अकाउंट है या किसी एम्प्लॉयज का, इंडिविजुअल का, जो भी पैसे हैं हमने दिए हैं खर्च करने के लिए या उनसे पैसे लिए हैं, अकाउंट्स में जमा हो जाना चाहिए गवर्नमेंट के, तो वो प्रॉपरली जमा हो गए हैं, उसमें विलम्ब नहीं हुआ है। तीसरी पॉइंट और है कि दैट द चार्जेस आर कवर्ड बाई द सैंक्शंस एंड ऑल अलॉटमेंट एंड आर सपोर्टेड बाई कम्प्लीट वाउचर्स। और कोई पेमेंट हुआ है, ये तो रिसिप्ट का था, क्रेडिट हो गई है, और जो कोई पेमेंट हुआ है उसका कंप्लीट सपोर्टिंग वाउचर अवेलेबल हो और वो एक्नॉलेजमेंट मिल गया हो, माने जिस जो भी बंदा पेमेंट लेने वाला है वो लिख के दिया भी है, एक्नॉलेजमेंट किया भी है कि हाँ मुझे इतना पैसा मिल गया है और उसी बंदे को दिया गया है और उतना ही अमाउंट दिया गया है जितना के लिए वो लीगली अथराइज्ड है। ये सब इंश्योर करते हैं डिविजनल अकाउंटेंट। फिर ये अर्थमेटिकली करेक्ट है, जो भी वाउचर है वो अर्थमेटिकली करेक्ट है कि गणित के हिसाब से गिनती किया जाए कि 500 इनको पेमेंट किया, 5000 इनको किया, तो ये सब टोटल जोड़ के सही आ रहा है, तो अर्थमेटिकली करेक्ट है। दैट दे आर इन ऑल रिस्पेक्ट्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड अकॉर्डेंस विथ रूल, रूल के साथ प्रिपेयर भी किया गया हो। That all charges are correctly classified. Those which are debitable to the personal account of a contractor, employees, individual are, जो भी जैसे वहाँ receipt में था कि जिस contractor से पैसा लेना था या जिस employee से या जिस personal से पैसे लेने थे वो सारे के सारे लेके credit कर दिया गया, उसी तरह ये charge का भी है। Charge मतलब payment का, payment भी उसी तरह ठीक से कर दिए गए हैं, चाहे receipt हुई या पेमेंट हुआ, दोनों का दोनों को सही ढंग से सही वाउचर साइड में इंटाइटल पर्सन के हिसाब से पेमेंट किया गया, अकाउंट में रखा गया, ये बात कर रही है। दैट ऑन द बेसिस ऑफ रेट सेंक्शन बाय कंपिटेंट अथॉरिटी एंड फैक्ट्स, क्वांटिटीज ऑफ वर्क डन, सप्लाईज मेड, ऑथराइज गवर्नमेंट सर्वेंट, द क्लेम एडमिटेड फॉर पेमेंट आर वैलिड इन ऑर्डर। जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी ने सेंक्शन किया है, जितने पैसे का किया है, जितने इंस्टॉलमेंट में रिकवरी देनी है, वो सारी की सारी उसी हिसाब से गवर्नमेंट के क्लेम पास हुए हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को पैसे किए गए हैं और वो वैलिड ऑर्डर में है, जैसे होना चाहिए जिस स्टेट में उसी तरह हैं। एक नोट दिया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है बच्चे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है। ये कह रहा है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि डिविजनल अकाउंटेंट पर्सनली सारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी देखें सभी वाउचर्स और सभी अकाउंट्स की। ये देखो, ये लाइन एक तरफ से खुला छोड़ रहा है डिविजनल अकाउंटेंट को, बट दूसरी तरफ से बांध रहा है। देखो ये कह रहा है कोई जरूरी नहीं है कि डिविजनल अकाउंटेंट पर्सनली सारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी देखें वाउचर्स और अकाउंट्स की, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो 100% ये चेकिंग जो चल रहे हैं उनके सबॉर्डिनेट्स कर रहे हैं, असिस्टेंट क्लर्क जो भी, तो उसका 100% सुपरविजन करें कि कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। ये वॉर्डिंग यहाँ पे खुला छोड़ा कि पर्सनली रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, बट ये छोड़ रहा है, यहाँ बांध रहा है कि नहीं 100% ये रिस्पांसिबिलिटी है कि उनके अंडर में जो भी चेकिंग चली है उनका सुपरविजन उन्होंने 100% चेकिंग करने के लिए किया है कि हाँ भाई सब जो नीचे के लोग हैं वो एक एक वाउचर को, एक एक आइटम को ठीक से चेक किए हैं। सो इस अब नेक्स्ट है, ये तो सब डिविजनल लेवल पे चेकिंग थी वाउचर्स के रिटर्न्स की। अब ये है कि डिविजनल अकाउंटेंट को जो भी चेक अपने डिविजनल ऑफिस में करना होता है, डिविजनल ऑफिस में जो सारे पेमेंट्स होते हैं उसको डे टू डे चेक करना है, ये नहीं कि पूरे अंत में जब
वाउचर इकट्ठे हो जाए, भेजने की तैयारी हो तुम नहीं, तो ये डे वन से ही शुरू हो जाते हैं, जैसे पेमेंट हुआ उसी हिसाब से। ये क्या कहते हैं कि ट्रांजेक्शन्स जो भी होने चाहिए वो अकाउंट्स ऑफिस में वो रिकॉर्डेड है करेक्टली। फिर कोई बिल्स वाउचर जो सब हेड ऑफिस के हैं वो डिविजनल अफसर को सबमिट किए गए हों, अप्रूवल लिया गया हो पेमेंट से पहले, और जो भी सब डिविजनल ऑफिस में पेमेंट हुए हैं, जो चार्जेज हुए हैं, उनका एग्जामिनेशन भी कर लिया गया है। मतलब जैसे जैसे वाउचर्स आते हैं वो की बात है, यहाँ पे था मंथली रिटर्न्स आता था तब की बात, ये है कि जैसे वाउचर्स आते हैं या जैसे कोई उधर से डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि भेजने होते हैं डिविजनल अकाउंटेंट के थ्रू एजी के पास, उसकी चेकिंग डे टू डे कर रहे हैं। जो भी कैश और स्टॉक के अकाउंट है उसको डिवीजन में जितने भी ट्रांसफर हैं वो सबकी स्क्रूटनी करनी है, और वो मंथली अकाउंट में इंक्लूड करनी है सारे रजिस्टर्स और सारे शेड्यूल को अकॉर्डिंगली अपडेट करना है। डिविजनल अकाउंटेंट को ये भी देखना है कि जो भी पेमेंट हो रहे हैं उनकी रिसीट ले ली गई है, जो भी क्लेम गवर्नमेंट को देने हैं, क्योंकि बाद में दोबारा उसका कोई क्लेम ले ना पाए। किसी की मान लो सिक्योरिटी लिया हुआ है तो उसकी एक जो इशू किए हैं सिक्योरिटी लेते समय एक रिसीट, वो रिसीट वापस ले लें और उसको कैश बुक में एंट्री कर दें कि भाई ये अब रिफंड किया जा रहा है, इंडिविजुअल की साइन ले लें, ताकि कभी भी सेकेंड पेमेंट होने की गुंजाइश ना रहे, मतलब डबल पेमेंट ना हो, इसलिए ले लेते हैं। और ये भी एक डिविजनल अकाउंटेंट का मतलब इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो देखें कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू वो रेगुलराइज्ड है, सेंक्शन है, और कोई जो सेंक्शन नहीं है तो उसका पेमेंट एज ए मैटर ऑफ कोर्स ना हो, जब तक कि डिसबर्सिंग ऑफिसर के नॉलेज में वो चीज़ ना आए। कोई भी पेमेंट होता है यदि इस तरह का, तो वो डिविजनल अकाउंटेंट अपने डिविजनल ऑफिसर के नॉलेज में लाएं और प्लेस ऑन रिकॉर्ड, मतलब कागज़ पर लिख के बताएं कि सर ये जो पेमेंट हुई है ये आपके सेंक्शन के लिमिट से ज़्यादा हुई है, या ये रेगुलर मैटर ऑफ कोर्स के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि ये हमेशा ऊपर पेमेंट कर दें, या फिर पेमेंट जो आपने सेंक्शन का परमिशन नहीं दिया है या ऊपर हायर अथॉरिटी ने नहीं दिया है, तो इस तरह के पेमेंट ना किया जाए डिविजनल सब डिविजनल लेवल पे। तो फिर डिविजनल अफसर उसके आगे अपने अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं, इसलिए प्लेस ऑन रिकॉर्ड जरूरी है वो, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इंस्टांसेस हो सबॉर्डिनेट अफसर की जो फाइनेंशियल लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो उसकी भी डिविजनल ऑफिसर के नॉलेज में डिविजनल अकाउंटेंट लाएंगे, और इसके पास डिविजनल ऑफिसर के भी लाएंगे, और या हायर अथॉरिटी के पास लाएंगे, यानी SCC के पास भी लाएंगे। या लिखा है या तो अपने इस बॉस को बताएंगे या फिर आगे भी बताएंगे, लेकिन इसमें वर्ड दिया है कि डिविजनल ऑफिसर ने अलाउ किया है कोई लमसम पेमेंट करने के लिए किसी वर्क के लिए, तो वो जितना अलॉटमेंट किया गया है उसी के अकॉर्डिंगली वो पेमेंट किया गया है, उससे एक्स्ट्रा नहीं किया गया है, और कोई भी एक्सेस हुआ है यदि उस अलॉटमेंट का फिगर से ऊपर, तो वो भी डिविजनल अकाउंटेंट के नोटिस में डिविजनल अकाउंटेंट लाएंगे। एक और चीज़ इनको कही जा रही है कि ये डिविजनल अकाउंटेंट ये देखेंगे, स्क्रूटनी करेंगे वाउचर्स की, कि कोई रिसीट या डिसबर्समेंट जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर कर रहा है वो उसके जो भी डिविजनल ऑफिसर ने जो पावर दिया है उसके अकॉर्डिंग किया है, या अपने मन से कर दिया है, या बिना सिग्नेचर के या बिना प्रॉपर अथॉरिटी के कर दिया है, तो वो भी डिविजनल ऑफिसर के नॉलेज में लाना है। सारी की सारी एक ही बात है, बट एक एक चीज़ को इस हिसाब से कहा जा रहा है कि डिविजनल अकाउंटेंट ये ओवरलुक ना कर दें कि कभी सब डिवीजन में पेमेंट हो जाए, या कोई इंस्ट्रक्शंस जो दिया गया है फाइनेंशियल लेवल के वो डेविएट ना हो जाए। और ये है कि कोई एक सिंगल सेंक्शन है जिसमें टू या मोर डिसबर्सिंग ऑफिसर को ना पेमेंट करना है,
पेइंग जो ऑफिसर है वो दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, लेकिन जो सैंक्शन अमाउंट है कि भाई ये सिविल के लिए इतना खर्च करना है, ये हॉर्टिकल्चर के लिए इतना खर्च करना है, बिजली के लिए इतना खर्चा करना है, ये खर्चा करने वाले ये ऑफिसर हैं, और सैंक्शन एक ही है, 50 लाख का पेमेंट करना है और इसमें 10 लाख 20 लाख करके इन लोगों का दिया गया है। तो इसको ये देखना है कि ये सारे ऑर्डर्स जो हैं वो इम्पोज इन ए डेफिनेट लिमिटेशन, मतलब कि तो ये सभी जितने ऑफिसर्स हैं डिसबर्सिंग ऑफिसर्स इनकी लिमिटेशन फिक्स की है कि आप कि इतने ही खर्चा कर सकते हैं, भले ही सैंक्शन ये 50 लाख का है पूरे का, तो ये नहीं कहे कि मैं ही 50 लाख खर्चा करूं, जो इनका लिमिट कर दिया भाई 15 लाख आपके तरफ से जाएगा, 15 लाख आपके तरफ से जाएगा, 20 लाख आपके तरफ से जाएगा, तो ये सारे के सारे लिमिटेशन है और इसी लिमिटेशन में इनको पेमेंट करना है, ये नहीं कि पूरा का सैंक्शन हुआ है तो एक ही आदमी करे। इस लाइन में हमने देखा कि ये सभी की लिमिट फिक्स कर देते हैं डिविजनल ऑफिसर, कि ये डिसबर्सिंग ऑफिसर जो हैं वो कितने कितने लिमिट तक पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा इसी तरह बात के जरिए कि डिसबर्सिंग ऑफिसर दो से या ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके ऑर्डर हेड ऑफ द सर्किल से या हायर अथॉरिटी से ले लिए गए हैं कि ये लोग पेमेंट करेंगे। फिर इसके अलावा यदि दो या दो से ज़्यादा डिसबर्सिंग ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं तो इन सच केसेस ये सेपरेट वर्किंग इस्टीमेट ले लिया जाता है कि आप ये इतना खर्चा करेंगे, इनका सैंक्शन ये है। ईच ऑफिसर जो है अपने अपने वर्क के लिए, अपने अपने एक्सपेंडिचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड दिस शुड बी ट्रीटेड एज फार एज पॉसिबल, और इसको हम एक टू कवर द ट्रांजेक्शन ऑफ और अदर सेपरेट वर्किंग एस्टिमेट और अदर सेंक्शन टू कवर द ट्रांजेक्शन ऑफ ईच ऑफिसर एंड फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग द एक्सपेंडिचर टू द अकाउंट्स, दिस शुड बी ट्रीटेड एज फार एज पॉसिबल एज ए इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ वर्क और द सेम प्रोजेक्ट, जहाँ तक पॉसिबल हो, क्योंकि एस्टिमेट एक ही था, तो ये इनको इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन ट्रीट किया जाए ताकि इसकी मॉनिटरिंग जो है प्रॉपरली की जा सके कि ये 15 लाख वाले हैं, ये इसी में खर्च करते रहे, इसी की अकाउंटिंग इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिक्स की जाए। और इफ इट इज नॉट पॉसिबल द स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर चेक ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द सेक्शन, और ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी का अलग अलग हम चेकिंग कर पाए अलग अलग, तो एक स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए कि ये किसी भी कंडीशन में इस पैसे से ज्यादा ना खर्च हो पाए या इसकी अकाउंटिंग हमेशा क्लियर पता चलती रहेगी कौन कितना खर्च किया। तो चाहे स्पेशल अरेंजमेंट से कर लें, यदि पॉसिबल नहीं है कि सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके सब अलग अलग अकाउंटिंग करा लिया जाए, यदि ये पॉसिबल नहीं है तो हमें फिर एक स्पेशल अरेंजमेंट कर लेना चाहिए ताकि ये अकाउंटिंग प्रॉपर हो सके, टोटल चेकिंग इसके विद इन 50 लाख के विद इन आ सके और वो गणित के हिसाब से करेक्ट है।
अकाउंट